राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। जी हाँ, ये बड़ी खबर। आजमगढ़ के तहसील मार्टिनगंज के अंतर्गत ग्राम सभा कुरियावा से निर्वाचित प्रत्याशी नूर आलम खान सहित देखने की भारी मतों से जीत दर्ज और उन्होंने कहा कि यह जीत हमारी जीत नहीं बल्कि पूरे ग्राम सभा की जीत है। हमारी ग्राम सभा की जनता सेवा करने का मौका दी है जिसके लिए हम आपके अपने पूरी ग्राम सभा वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि सरकार की सभी योजना को धरातल पर उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। कोविड-19 के मामलों को देखते हुए उन्होंने समस्त ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों से अपील की कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करेंगे और ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह पर न जाएं, मास्क का प्रयोग करें, दूरी बनाए रखें और भरसक कोशिश यही हो कि अपने अपने घरों में ही रहें। आइए देखें असगर आजम की खास रिपोर्ट। कमाल जी, पहली बात तो आप जीत करके आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, जनता ने जो आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, क्या लग रहा था आपको? जनता ने हमको जिताया, जनता जो है हमें अपने गांव में सबसे अच्छा सबसे बेहतर समझी, इसलिए हमको जिताई है जी। तो अब हमारा जो है फ़र्ज है कि हम अपनी जनता के लिए अपने गांव के लिए जी। पूरा पूरा जो भी सरकार से केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से जो भी मतलब मिलता है कार्य करने के लिए उसको ईमानदारी और जो है दयानतदारी के साथ पूरा करें बगैर जो है किसी भेदभाव के जी किया जाएगा जी। जब चुनाव में आप थे जो है उस समय आपको लग रहा था कि जनता हमको इसे इतने बड़े मैंडेट से चुनाव जिता सकती है? हाँ, बेशक हमको पूरी उम्मीद थी कि जनता जो है हमको जिताएगी क्योंकि जनता जानती है कि हम एक ईमानदार और जो है सुलझे हुए इंसान है, इसलिए जनता हमको जो है चाह रही थी, इसीलिए तो हम जो है चुनाव लड़े जी। मुद्दा कौन सा था आपके पास? हमारे पास मुद्दा सिर्फ मतलब एक ही मुद्दा कि हमारे गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, पूरे ब्लॉक में जितने भी गाँव हों उन गाँव से ज़्यादा विकास हमारे गाँव का हो, ये हमारा जो है संकल्प है, हमारा जो है इरादा है, हमारा विचार है। जी, बहुत सारे काम हैं गांव में जो मतलब पहले पिछले प्रधानों से नहीं हुआ है या कुछ जो है उस काम को मतलब हम चाहेंगे कि हर काम हमारा जो है जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से हो, पूरा हो, पूरा काम जो है मतलब जैसे नाली है, खड़ंजा है, चक्रोट है, गांव में दो चार नालियाँ ऐसी हैं और भी मतलब आबादी जो है लंबी चौड़ी है वहाँ पे भी नालियाँ हैं, नाले हैं, उन सब का काम जो ढंग से हो और रास्ते जो है सब सही हो जाए, ये हमारा संकल्प होगा। कोरोना काल चल रहा है, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों तथा ग्रामवासियों से आप कुछ अपील करना चाहेंगे? भाई, अब अपने ग्रामवासियों से ये कहना चाहेंगे कि जैसे सैनिटाइजर आया था दवा का छिड़काव करवाना था, हमने पूरे गांव का दवा का छिड़काव करवा दिया है जी। और हम ब्लॉक से और भी दवा ला करके रखे हुए हैं जी। जैसे शादी विवाह में थोड़ा लोग एहतियात बरतें, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें, उसके बावजूद भी भीड़ भाड़ तो हो ही जाती है, लेकिन दवा का छिड़काव अपने घरों पे जरूर करवाएं और दवा हमारे पास है, हमको सूचित कर दें, हम दवा का छिड़काव करवाएं। पीपी न्यूज़ 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।